ग्वालियर नगर निगम परिषद की बैठक आयोजित की जा रही है। बैठक में शहर में दूषित पेयजल सप्लाई रोकने और गार्बेज शुल्क को वापस लेने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान आप पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए परिषद भवन तक पहुंचे। आपको बता दें कि इस हंगामे के दौरान नगर निगम आयुक्त सहित अन्य निगम अधिकारी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को समझाने के लिए बैठक को बीच में छोड़कर बाहर आ गए, लेकिन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनकी नहीं सुनी और नारेबाजी की। बाद में सभापति मनोज सिंह तोमर और महापौर शोभा सिकरवार ने कार्यकर्ताओं को उनकी समस्याओं का शीघ्र निराकरण करने के दौरान कार्यकर्ताओं ने महापौर को गंदे पानी से भरी बोतल भी सौंपी और कहा कि शहर की बेबस जनता को इस गंदे पानी से जल्द छुटकारा दिलाया जाए, गार्बेज शुल्क को वापस लिया जाए, क्योंकि निगम चुनावों से पहले कांग्रेस भाजपा दोनों ही दलों ने शहर की जनता से ये वादा किया था और अब अपने वादे से नहीं पलटा, और अगर यह वापस नहीं लिया गया तो आम आदमी पार्टी आंदोलन करेगी। वहीं मामले को लेकर नगर निगम कमिश्नर किशोर कन्याल ने आम आदमी पार्टी के इस प्रदर्शन की निंदा की है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में अपनी बात कहने का हक है, लेकिन बात करने का तरीका मर्यादा में होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी द्वारा जिस तरह परिषद भवन में प्रवेश किया जाए वह पूरी तरह से निंदनीय है। परिषद में पहली बात तो लगातार गुंडागर्दी हो रही परिषद में। आज ये हमें जब यहाँ पर हम गार्बेज शुल्क की माफी की बात करने आए और जो गंदा पानी लगातार नगर निगम क्षेत्र में मिल रहा है उसकी साफ की बात करने हैं तो ये हमें नियम कानून सिखा रहे थे, लेकिन मुझे लगता है दो दिन में जिस तरीके से यहाँ अभद्रता हो रही निगम के अंदर बैठ के इनको पहले उस पे जाने की जरूरत है। और आम आदमी पार्टी के साथ जिस तरीके का व्यवहार हुआ है, हम कोई गुंडे नहीं है, हम बड़े आम लोग हैं, बड़े सीधे साधे लोग हैं, अपनी बात रखने आए थे यहाँ पर, लेकिन हमारे कुछ साथी की चोट भी लगी। यहाँ पुलिस ऐसे लगा दी गई जैसे हम पता नहीं किसी हथियार लेके गुंडे घुस रहे हैं उनके वहाँ पर। मुझे ऐसा लगता है कि डेमोक्रेसी में हर पार्टी को, संस्था को, व्यक्ति को अपनी बात कहने का हक है, लेकिन मर्यादाओं का तो पालन करना चाहिए। ये रूल्स रेगुलेशंस क्यों बनते हैं? ताकि हम लोग उसके दायरे में काम करें। तो मुझे लगता है कि आज जो आम पार्टी के लोग थे उन्होंने थोड़ा सा अपने मर्यादाओं का पालन नहीं किया और वो हमारे परिषद की जो सभा कक्ष में उसके अंदर उन्होंने एंट्री करने की कोशिश की। एक जो परिषद का पार्ट था उसको उसके अंदर वो एंटर कर गए, फिर अंदर जाके शीशे से तोड़ने की कोशिश की।